हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। फिर से वही बात, सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट होता कौन है, वर्ब देखिए क्या बी वर्ब है, उसके बाद क्या आएगा हैव वर्ब है, क्या आएगा डू वर्ब है, क्या आएगा मॉडल है तो क्या आएगा, ठीक है। और ये ट्रांजिटिव है तो क्या लेगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट लेता है, होता कौन है, ठीक है। अगर मेन वर्ब है उससे पहले क्या आ सकता है, ठीक। फिर पोजीशन के बाद क्या आ रहा है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं फिर वही बात। चलो, फॉलिंग शॉर्ट मतलब होता है कम होना, ठीक है, कमी होना, ठीक है। ऑन के बाद देखिए वी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, यही नाउन हो जाएगा ना, ये बाकी बचा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव, कभी प्लुरल नहीं होगा। आर्टिकल है तो 100% क्या आएगा, तो नाउन आएगा। 2023 लेटेस्ट, अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, तो बोलेंगे द लगता है, एक काम। अब ये द आर्टिकल है तो चलो नाउन ढूंढो, यहाँ पे ये नाउन हो गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, तीनों, तो बोलेंगे एडजेक्टिव हो जाएंगे। कंटिन्यूस्ड लगातार, टू हैव, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव है, तो या तो वी थ्री होगा या क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो बोलेंगे डिफिशियंसी, क्या है, तो बोलेंगे नाउन है सर, ठीक है। इतना बात क्लियर, अगर नाउन था तो इससे पहले एडजेक्टिव भी हो सकता था, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी हो सकता था, आर्टिकल भी हो सकता था। टू हैव डिफिस मतलब कमी है, लगातार इसके पास क्या है, कमी है। डैट किसके लिए, तो ये डिफिशियंसी के लिए है क्या, तो बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि क्या ले लिया है, तो डायरेक्ट वर्ब ले लिया। डैट नीड क्लीनिंग अप, जिसको क्या है, साफ करने की जरूरत है। तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बड़ा कर लेते हैं पहले, हाँ दिख रहा होगा, चलो थोड़ा सा छोटा। अब चलो, तो आर्टिकल आ गया तो नाउन का पोजीशन क्या होता है, कंफर्म होता है, तो यहाँ पे हो गया नाउन, ठीक है। ये तीनों क्या हो जाएंगे, तो एडजेक्टिव। 2023 वाज पास्ट, वाज के बाद क्या हो गया, वी थ्री, तो बोलो एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव है, तो पास किया गया था, यही हो जाएगा। ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हो गया मेन वर्ब, यहाँ पे डाल दोगे एडवर्ब, ठीक है। इन के बाद देखो वी फोर है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। आर्टिकल लगा है तो यही ना नाउन हो जाएगा। ऑन मंडे कब की बात है, तो मंडे की बात है। एंड विल नाउ हैव, ठीक है, यही मेन वर्ब, ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, तो नाउ क्या हो गया, तो बोलेंगे एडवर्ब। विल हैव टू बी, क्लियर होना है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या हो जाएगा, वी थ्री, तो ये एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव हो जाएगा। टू बी क्लियर, किया जाना है, बाय द राज्यसभा, किसके द्वारा, तो बोलेंगे राज्यसभा के द्वारा। द फेस इटरेशन, इटरेशन मतलब शुरुआत, ये जो नया शुरुआत हुआ है, इससे पहले भी शुरू हुआ हो चुका था इसका कहानी, ये नया जो यात्रा है शुरुआत है, इससे पहले भी हो चुका होगा शुरू इसका कहानी, ठीक है। हुच किसके लिए, ये पोजिशन देखो क्या है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का पोजीशन है, तो इसको भी क्या चाहिए, तो वर्ब चाहिए। चलो देखते हुच हैज के साथ क्या, तो वी थ्री। हुच हैज अंडरगॉन, जो गुजरा है, ठीक है, गुजरा है किससे, चीज से, ए फ्यू ड्राफ्ट। अब बताओ ए फ्यू पॉजिटिव की निगेटिव, तो बोलेंगे सर पॉजिटिव होता है। फ्यू के साथ नाउन कैसा, तो बोलेंगे सर प्लुरल है, तो फ्यू ड्राफ्ट, ए फ्यू ड्राफ्ट, कुछ ड्राफ्ट से होके गुजरा है। सीम्स किसके लिए, तो इसी के लिए ना आ जाएगा, ऐसा दिख प्रतीत होता है। टू हैव, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे भी थ्री, बोले ना हैव के बाद या तो भी थ्री या नाउन। टू हैव इनकॉर्पोरेटेड मतलब शामिल किया है, क्या शामिल किया है, तो अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट, कहाँ पे है, तो सजेशन, शामिल किया है। अब देखो मेड क्या है, या तो ये भी टू बनेगा या भी थ्री बनेगा या एडजेक्टिव। अब ये भी थ्री है नहीं भाई, ना हैव वर्ब है ना बी वर्ब है, भी थ्री तो भूल ही जाओ, ठीक है, भी टू बना दिया, तो ये यहाँ पे एक वर्ब है और यहाँ पे एक वर्ब है, दिख रहा है। चलो अब दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है क्या, तो बोलेंगे नहीं, इसका मतलब ये भी टू नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। एक कारण मिल गया, ये एडजेक्टिव है।
दूसरा कारण समझो, ठीक है ना। ये भी अगर ये भी टू भर भी नहीं है तो भी टू और भी थ्री होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। दूसरा कारण मेड मेक जो होता है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, तो क्या लेगा अगर वर्ब का काम किया तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, वो भी तो नहीं लिया है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये मेरा एडजेक्टिव है। बात समझे, जितना तरीका बता रहे हैं वो देखते जाइए। टू इट्स 2020 वर्जन, इसके 20 वर्जन के लिए, अब टू के बाद क्या है तो बोलेंगे सर नाउन, क्यों, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद 100% क्या आता है, नाउन। ऑल दो, अब कंजंक्शन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ तक का तो बात जो है सो सही है, ऑल दो कंजंक्शन, या अगर इधर पॉजिटिव हुआ तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब देखो ये सही बात है, इट इज नॉट क्लियर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो क्लियर नहीं है, ठीक है। अब क्लियर नहीं है तो मतलब यहाँ तो पॉजिटिव था यहाँ निगेटिव। व्हाट सबमिशन, कि जो सबमिशन, वेयर, कि सबमिशन क्या है, जो सबमिट किया गया था वो क्या है। एज, अब प्रीपोजिशन की कंजंक्शन, तो देखो एज के बाद सब्जेक्ट वर्ब आया तो बोलेंगे कंजंक्शन। द कंसल्टेशन प्रोसेस, कैसा प्रोसेस, कंसल्टेशन मतलब गवर्नमेंट आदमी लोग से कंसल्ट कर रही है, आप कंसल्ट करते हैं, संपर्क करना, वो है। वाज नॉट ब्रॉट टू लाइट, प्रकाश में नहीं लाया गया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाज है, इसके बाद आ गया भी थ्री, पैसिव हो गया, ठीक है। तो ब्रॉट, नॉट ब्रॉट टू लाइट, अब ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब, ये हो गया आपका एडवर्ब, बाय द गवर्नमेंट। चलो यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। चलो अगला देखिए, द हाईलाइट, यही सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक, यही लेगा अपना वर्ब। ऑफ द बिल इच, अब ये किसके लिए, तो हाईलाइट के लिए, बिल का हाईलाइट क्या है। अब चलो ऑफ के बाद देखो क्या आया है, ये आपको खुद सोचना है। द प्रोविजन, एक नियम है, डैट पर्सनल डाटा ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का पर्सनल डाटा, इंडिविजुअल किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डाटा, जिसको बोलेंगे, देख लो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डाटा प्रिंसिपल, उसको क्या शॉर्ट में बोला गया है, डाटा प्रिंसिपल। पर्सनल डाटा, इंडिविजुअल के पर्सनल डाटा को क्या बोला गया है, डाटा प्रिंसिपल। अब ये मे बी, अब चलो यहाँ पे पर्सनल डाटा ही सब्जेक्ट है, क्योंकि डैट क्या काम कर रही है, कंजंक्शन का, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले ली। मे बी प्रोसेस्ड, यूज किया जा सकता है, मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, भी थ्री। बाई एन एंटिटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ए पर्सन, और पर्सन के द्वारा। द द डाटा फिड्यूशियरी, क्या बोलेंगे, फिड्यूशियरी। अब ये फिड्यूशियरी क्या है, जहाँ पे आपका जो ये है, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आपके डाटा को क्या है, ये स्टोर करके रखेगी, ठीक है, जब गवर्नमेंट उससे मांगेगा तो उसको देगी, ठीक है, यही है, यही है जो सब डाटा को स्टोर करके रखने वाला है, ठीक है, ये यूज कर सकता है, ठीक है। फॉर ए लॉफुल पर्पस, किस लिए, तो कानूनी रूप के लिए, कानूनी उद्देश्य के लिए। फॉर के बाद देखो क्या आया है, ठीक है। ओनली आफ्टर, किसके बाद, द कंसेंट ऑफ डाटा प्रिंसिपल, डाटा प्रिंसिपल कौन, पर्सनल डाटा ऑफ एन इंडिविजुअल, जो पर्सनल डाटा है इंडिविजुअल का, तो किसके बाद वो यूज कर सकता है, तो पर्सनल डाटा के सहमति के बाद ही वो यूज कर सकता है। और फॉर सर्टेन लेजिमेट पर्पस, और क्या, कुछ, अब सर्टेन है ना, तो सर्टेन के साथ नाउन क्या रहता है, तो बोलेंगे सर प्लुरल, कुछ कानूनी उपयोग के लिए। दीज यूजेज, अब दीज के साथ नाउन क्या रहता है, प्लुरल। अब बताओ यूज होता है वर्ब, यूज होता है नाउन, कैसे पहचानेंगे, तो सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे नाउन। अगर सेंटेंस में ये वर्ब की तरह यूज होगा तो वर्ब यूज करेंगे। बात समझ में आया। चलो आर सिचुएशन क्या है, दीज यूज आर सिचुएशन, सिचुएशन है, ठीक है। वेयर, जहाँ, फिर एक सब्जेक्ट वर्ब ले लेगा। सच डाटा, कुछ इस तरह का डाटा, अब सच का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे दिया है, इंडिविजुअल ऑफ ए पर्सनल डाटा, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है किसी का, वो। मे बी प्रोसेस, मे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, भी थ्री, पैसिव वॉइस, मे बी प्रोसेस यूज किया जा सकता है। विदाउट ऑब्टेनिंग, अब विदाउट क्या है, तो बोलेंगे सर प्रीपोजिशन, उसके बाद क्या है, तो बोलेंगे सर भी फोर। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट ले लेगा। क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, तो बोलेंगे डाटा प्रिंसिपल कंसल्ट, मेन वर्ड कौन है, तो बोलेंगे ये वाला, ठीक है। बात समझ में आया।
बिना प्राप्त किए क्या डाटा प्रिंसिपल के सहमति को बिना प्राप्त किए हुए, बात समझ में आ गया। सच एज बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, अब सच एज क्या बताता है, एग्जाम्पल गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा। फॉर प्रोवाइडिंग V4 प्रोवाइड करने के लिए, क्या प्रोवाइड करने के लिए, लाइसेंस वेलफेयर स्कीम परमिट एंड सर्विस। दिस बिल, अब दिस का डिस्क्रिप्शन होगा कि नहीं होगा बताओ, हाँ या ना, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल होगा। दिस डैट दिस दोज प्रोनाउन हो, सच हो, सेम हो, सबका डिस्क्रिप्शन होगा। इंक्लूड, ये पारा जंबल में आपको काम देगा। इंक्लूड शामिल करता है एन ऑब्लिगेशन, एक कार्य, ऑन द पार्ट ऑफ डाटा फिड्यूशियरी, डाटा फिड्यूशियरी के तरफ पर टू नोटिफाई, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नोटिफाई करने के लिए किसको, डाटा प्रिंसिपल को नोटिफाई, सूचित करने के लिए। एंड द डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड, और किसको, DPB को, टू बी स्टेबलाइज, अब एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव, स्टेबलाइज किया जाना है बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा, बाय के बाद देखो क्या आया है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट, टू एडजुडिकेट मतलब डिसाइड करने के लिए, निर्णय लेने के लिए क्या, ऑन कंप्लायंस, कंप्लायंस पे निर्णय लेने के लिए। कंप्लायंस मतलब क्या होता है, अनुपालन, ठीक है, क्या आप वो रूल जो है बना हुआ वो फॉलो करते हैं नहीं। और नॉट विथ द बिल, और ना केवल बिल पे। इफ देयर इज ए पर्सनल डाटा ब्रीच, अगर कोई भी ब्रीच होता है, उल्लंघन होता है, याद रखना ये वर्ड ब्रीच, तो देयर के साथ इज क्यों, अब ये बताना, ठीक है, ये तो अब देखो ये होता है सब्जेक्ट, देयर इज ए प्रश्न, ये आया ना तो इज, अगर टू रहता तो आर रहता। देयर देखो, देयर आर अदर ऑब्लिगेशन, देखो यहाँ पे नाउन क्या है, प्लुरल है, इसीलिए क्या हो गया आर। कुछ और कर्तव्य है, डिफाइंड, अब फिर वही डिफाइंड, V2, V3 और एडजेक्टिव। अब दो वर्ब है तो दोनों को जोड़ने के लिए देखो कंजंक्शन है थे? नहीं है, इसका मतलब ये वर्ब ना होके क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो ये जो क्लास है वो बेसिक क्लास नहीं है, ठीक है, जो समझिएगा कि बेसिक क्लास है, बेसिक में जब हो जाता है वैसे, बेसिक जब कंप्लीट कर लीजिएगा तभी समझ में आएगा। आलतू फालतू का बिना मतलब का क्या है, कमेंटबाजी मत किया कीजिए, और सजेशन देने का कोशिश कभी भी मत करो, नहीं देखना है तो छोड़ देना, ठीक है। बट वन इशू, चलो बट डिफाइंड क्या बता दिए, तो बोल दिए एडजेक्टिव है। फॉर द डाटा फिड्यूशियरी, डाटा फिड्यूशियरी कौन, जो डाटा कलेक्ट रखता है ये किसी पर्सन का, ये ताकि गवर्नमेंट को दे सके, एक मतलब मीडिएटर हो गया, ये डाटा फिड्यूशियरी DF कर दो, ये गवर्नमेंट और ये हो गया इंडिविजुअल, ठीक है, जिसको बोलते हैं वो क्या बोले, डाटा प्रिंसिपल, ये हो गया डाटा प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये डाटा प्रिंसिपल यहाँ का, अब यहाँ जाएगा उसका डाटा, और ये अगर गवर्नमेंट मांगेगी तो उसको दे सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ेगा, परमिशन। वन इशू, अब एक मुद्दा है, विद द बिल, बिल के साथ इज, अब इशू के लिए ही ना वन है, इज डैट की सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इट डज नॉट इंक्लूड, और डज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे सर फर्स्ट फॉर्म, ये शामिल नहीं करता है, डीड क्या शामिल नहीं करता है, तो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट कौन, तो बोलेंगे नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे कौन है, तो बोलेंगे नाउन। उस जरूरत को शामिल नहीं करता है फॉर के बाद क्या है, V4 फॉर इन्फॉर्मिंग, क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म करने के लिए, किसको इन्फॉर्म करने के लिए, डाटा प्रिंसिपल, जो डाटा प्रिंसिपल बताया ना, जो पर्सनल डाटा ऑफ एनी इंडिविजुअल, ठीक है। अबाउट द थर्ड पार्टी के बारे में, विथ हुम, अब देखो विथ के साथ हु क्यों नहीं आया, तो बताइए प्रीपोजिशन के साथ क्या सब्जेक्टिव केस आता है कि ऑब्जेक्टिव केस, तो बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस हु होता है कि हुम होता है, तो बोलेंगे हु तो सब हुम होता है, हु तो क्या होता है, केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। द डाटा कुड बी शेयर, जिसके साथ क्या है, डाटा शेयर किया जाए, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं शामिल करता है, ठीक है, चलिए आगे। टू मच लीवेज, छूट होता है, लीवेज मतलब एक थोड़ा सा छोटा कर ले, लीवेज मतलब क्या हुआ, छूट। टू मच लीवेज इज प्रोवाइडेड, V3 हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब VMM हो जाएगा, तो यहाँ पे एडवर्ब आ सकता है, हाँ इज प्रोवाइडेड,
टू एजेंसी, किसको एजेंसी को, ऑफ स्टेट, स्टेट के एजेंसी को, इनफॉर्म, इनफॉर्म ऑफ एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन के फॉर्म में, ठीक है, छूट के फॉर्म में, इनके बाद देखो क्या आया है, ऑफ के बाद देखिए क्या आया है, किसको प्रोवाइड किया जाएगा, एजेंसी को, द, अब ये कमिटी ड्राफ्ट, नाउन का पोसेशन किस पे है, तो नाउन पे, मेन वर्ड कौन है, तो ड्राफ्ट विल इन 2018, अलाउड फॉर एग्जाम्पशन, अलाउ किया गया था किसके लिए, एग्जाम्पशन के लिए, टू बी गारंटेड, तो गारंटी कर देने के लिए कि गारंटी दिए जाने के लिए, तो बोलेंगे दिए जाने के लिए, क्योंकि क्या है, पैसिव वॉइस है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्या है, वी थ्री है, ठीक है, टू स्टेट, किसको, स्टेट इंस्टीट्यूट को, किसको, इंस्टीट्यूट को, स्टेट इंस्टीट्यूट को गारंटी देने के लिए, ठीक है, फॉर, फॉर एक्वायरिंग, फॉर एक्वायरिंग, फॉर के बाद देखो क्या है, तो वो फ्रॉम एक्वायरिंग, तो वी फोर है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे यहाँ पे सर नाउन है, अब देखो इन्फॉर्म किया हुआ, ये कंसेंट मतलब सहमति, इन्फॉर्म एक्वायरिंग प्राप्त करने से, तो क्या प्राप्त करने से, तो इन्फॉर्म सूचित किया हुआ कंसेंट, ठीक है, फ्रॉम डाटा प्रिंसिपल, किस से, डाटा प्रिंसिपल से, और टू प्रोसेस, यूज करने के लिए, तो क्या यूज करने के लिए, दिया डाटा, उनके डाटा यूज करने के लिए, इन मैटर, उस संवाद में, रिलेटेड ओनली टू सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट के सिक्योरिटी से क्या हो, संबंधित हो, रिलेटेड के साथ क्या लगता है, हमेशा याद रखिएगा टू, एंड कॉल फॉर ए लॉ, कॉल फॉर मतलब डिमांड करना, क्या लॉ, टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, तो क्या प्रदान के लिए, फॉर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, ठीक है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के लिए कि कोई मिस्टेक हो, एंड जुडिशियली अप्रूवल, और किसके लिए, न्यायिक स्वीकृति के लिए, ऑफ नॉन कंसेंसुअल एक्सेस, किसका, तो नॉन कंसेंसुअल एक्सेस मतलब बिना सहमति के एक्सेस प्राप्त करने का, टू पर्सनल डाटा, पर्सनल डाटा के लिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमेशा याद रखना एक्सेस के साथ क्या लगता है, तो टू, जैसे लीड के साथ क्या बोलते हैं, टू, रिजल्ट के साथ इन, तो वही बात है, ठीक है, चलो चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है, इन 2023 वर्जन में देखो क्या है, द है, तो यहाँ पे द स्टेट इज एम्पावर्ड वी थ्री, सशक्त किया जाता है, यही ना, पैसिव हो जाएगा, टू यूज डाटा, यूज करने के लिए, क्या यूज करने के लिए, डाटा थ्रू वाइड रेंजिंग एग्जाम्पशन, बहुत ही ज़्यादा क्या दे दिया गया है, एग्जाम्पशन मतलब छूट देने के साथ, के सहारे, थ्रू मतलब के सहारे, एंड द गवर्नमेंट इज अलाउड, अब एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर इधर भी सब्जेक्ट वर्ब है और इधर भी क्या है, सब्जेक्ट, इज अलाउड, इन फैक्ट, टू कलेक्ट, प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, इंफॉर्मेशन, अब हुच कुड बी यूज, जो कि यूज किया जा सकता है, फॉर मास सर्वेलेंस, सब पर निगरानी रखने के लिए, इन ओवर राइडिंग, रिजेक्टिंग कहो, कंसेंट, क्या रिजेक्ट करना, कंसेंट रिजेक्ट करना, सहमति, टू बी ऑप्टेन, जो कि ऑप्टेन करेगा कि किया जाएगा, तो बोलेंगे सर किया जाएगा, बाय द स्टेट फ्रॉम डाटा प्रिंसिपल, किससे, डाटा प्रिंसिपल से, फॉर पर्पस ऑफ, पर्पस उद्देश्य के लिए, ऑफ प्रोवाइडिंग, प्रदान करने का, तो क्या प्रदान करने का, बेनिफिट प्रदान करने का, सब्सिडी प्रदान करने का, और लाइसेंस प्रदान करने का, तो ये सब बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारा है, अंडरस्टैंडिंग पूरी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, और क्या बोलते हैं उसको, प्रवचन ना दिया करो, ठीक है, प्रवचन ना दिया करें, ठीक, पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो जा सकते हैं, प्रवचन नहीं, ठीक है, हाँ कहाँ पे थे, हाँ द बिल, ओहो ये भी गुस्सा आ जाता है कभी कभी, ठीक है, हाँ ठीक है, दिख रहा है ना, द बिल ऑल्सो डज अवे विद द पर्पस लिमिटेशन, डज अवे मतलब डू अवे मतलब अलग हो जाना, जो पर्पस इसका लिमिटेशन है उससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, यूजिंग यूज करना, क्या यूज करना, डाटा यूज करना, ठीक है, ओनली फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, किसके लिए,
केवल और केवल स्पेस खास पर्पस के लिए। अब फॉर आया, फॉर के बाद क्या है तो बोलेंगे नाउन, आर्टिकल है तो बोलेंगे क्या आएगा नाउन, क्योंकि फुल स्टॉप है तो ये नाउन, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। इट सीक्स, यस चाहता है, अब यही बिल के लिए ना आएगा, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्या इंट्रोड्यूस करने के लिए, अमेंडमेंट, सुधार इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। डैट इफेक्टिवली, अब देखो डैट क्या है तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ले लिया है वर्ब, और जब मेन वर्ब है तो उससे पहले क्या लगा दिया, एडवर्ब लगा दिया। रिमूव पब्लिक इंटरेस्ट, क्या रिमूव करता है पब्लिक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सेप्शन, क्या रिमूव कर देता है पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेप्शन, क्योंकि इसको अलग नहीं रख सकते, आर्टिकल है तो यहाँ पे नाउन, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ये भी हो जाएगा एडजेक्टिव। टू डिस्क्लोजर, किसके लिए, डिस्क्लोजर के लिए, उजागर करने के लिए। और पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल जो है व्यक्तिगत जो सूचना, सूचना का को उजागर करने के लिए। अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, किसके तहत तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत। देयर बाय डाइल्यूटिंग, डाइल्यूटिंग मतलब कमजोर करना, क्या अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब चूंकि एंड से जुड़ा है तो इधर भी पॉजिटिव है तो इधर भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, डाइल्यूट कर देगा, कमजोर कर देगा किसको, अकाउंटेबिलिटी को और ट्रांसपेरेंसी के। इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर के फंक्शनिंग में, ठीक है, कार्य में। द बिल ऑल्सो कंटिन्यू टू रिटेन, कंटिन्यू लगातार बनाए रखा है, ए मच बीकर वर्जन ऑफ रेगुलरिटी डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। यहीं तक रुको, पहले ये सब को हटा देते हैं। हाँ, द बिल ऑल्सो कंटिन्यू रिटेन, बनाए रखा है तो क्या बनाए रखा है, आर्टिकल है तो ढूंढो इसका नाउन, वर्जन को बनाए रखा है। मच वीकर, बहुत ही क्या है खराब है, अब वीकर क्या हो गया एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। कंपरेटिव डिग्री से पहले भेरी नहीं लगता, मच लगता है, याद रखना। मच वीकर वर्जन, ठीक है, किसका है, ऑफ, ऑफ के बाद क्या है अथॉरिटी, यहाँ पे नाउन, ये सारे क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव हो जाएंगे। ऑफ अथॉरिटी, सीधा बोल दो, ये ना आए तो बोल दो अथॉरिटी का। इनविजिलाइज्ड, फिर वही बात भाई, क्या है ये, क्या वी टू है, वी थ्री है और क्या एडजेक्टिव है। अरे भाई वी थ्री नहीं हो सकता, ना हैव वर्ब है ना वी वर्ब है, हटाओ इसको। अगर वी टू है, वी टू है तो यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, कंजंक्शन से जोड़ा नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, बचा क्या एडजेक्टिव। और इनविजिलाइज्ड क्या है, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो अगर वर्ब होता तो ऑब्जेक्ट लेता, वो भी नहीं लिया, इसका मतलब ये क्या है एडजेक्टिव। इन द 2018 वर्जन, जो कि देखा गया था किसमें, 18 वर्जन में। इन द डीपीबी, डीपीबी में व्हिच बिल हैव एडुकेटरी एंड नॉट रेगुलेटरी पावर, जिसके पास क्या होगा एडुकेटरी पावर होगा लेकिन रेगुलेटरी पावर नहीं होगा, निर्णय ले सकता है लेकिन रेगुलेट नहीं कर पाएगा। एंड हुज मेंबर विल बी अपॉइंटेड, जो मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। मस्ट बी, अब बी के बाद क्या है वी थ्री, मेन वर्ब तो यहाँ पे क्या हो गया एडवर्ब। एंड दीज, और ये अब दीज, फिर इसका ये क्या होगा डिस्क्रिप्शन होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि डिस्क्रिप्शन ना हो। दिस डिस्क्रिपेंसी, जो ये कमी है, आयरन आउट, तो ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा इन द लोकसभा, जो लोकसभा में जब जाएंगे, देखो पहले लोकसभा, ये सॉरी राज्यसभा में, पहले लोकसभा में गया वहाँ पास हो गया, अब राज्यसभा में जाएगा फिर ये बिल बनेगा, ये राष्ट्रपति का क्या हस्ताक्षर होगा। तो ये सारे कंसेप्ट कर लिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो हमको एक कमेंट आया था, तो ज्ञान हमको देने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है, नहीं करना है मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रवचन और ज्ञान मुझे मत देना, ठीक है, बात खत्म, कहीं और देख लीजिए, कहीं और पढ़ लीजिए, ठीक है, इससे भी अच्छा कहीं पढ़ा दे, चलो। और हाँ, चलिए फिर मिलते हैं कल।